नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसराइल की। पूरी दुनिया की आबादी के लिहाज से देखें तो इसराइल की पूरी आबादी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के डेवलपमेंट में इसराइल के कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि हम इसराइल की कुछ प्रमुख उपलब्धियों का ही जिक्र करेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे कि इसराइल क्यों दुश्मनों के बीच रहकर भी उन पर भारी पड़ता है। इसराइल यहूदियों का देश है। पूरी दुनिया किसी भी कोने में रहने वाले यहूदियों के लिए ये एकमात्र ऐसा देश है जो उनको अपने देश की नागरिकता देता है। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। वो एक यहूदी थे। साल 1948 में इसराइल अस्तित्व में आया। इसके बाद उसने 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने देश का राष्ट्रपति पद ऑफर किया। हालांकि आइंस्टाइन ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब भी दुनिया की मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी की चर्चा होती है तो आइंस्टाइन का नाम जरूर आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की निष्ठा अमेरिका के प्रति बनी रही। यहूदियों के भारत के प्रति योगदान की बात करें तो भारतीय सेना में अब तक 2 फील्ड मार्शल हुए हैं। पहले KM करियप्पा, जिन्होंने आजादी के बाद की लड़ाइयों में भारतीय सेना को कुशल नेतृत्व देते हुए जीत दिलाई। दूसरे फील्ड मार्शल बने सैम मॉनेकशॉ, जिन्होंने साल 1971 की जंग में भारत को जीत दिलाई। इस जीत ने ही बांग्लादेश की नींव रखी। भारतीय सेना के इस जीत ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और लगभग 1,00,000 पाकिस्तानियों को चूड़ियां पहनाई। भारतीय सैनिकों की ये जीत विश्व सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी सैनिकों ने सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लड़ाई के दौरान इंडियन आर्मी को लीड करने वाले फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ भी एक यहूदी थे और भारत के प्रति समर्पित थे। वो चाहते तो इसराइल में जाकर बस सकते थे, लेकिन उनकी निष्ठा भारत माता के प्रति थी। ये तो चंद उदाहरण है यहूदियों की ईमानदारी, कुशलता और उनके टैलेंट की। 1971 की जीत के हीरोज के लिए 1 लाइक तो बनता है। और हाँ, इस वीडियो को अकेले मत देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आज के दौर की बात करें तो दोस्तों, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी हैं। ये रही इसराइल के आधिकारिक धर्म की बात। अब बात करते हैं इसराइल की भाषा की। इसराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू है। वैसे यहाँ पर अरबी का भी प्रचलन है, लेकिन यहाँ की मूल रूप भाषा हिब्रू मध्यकाल में लुप्त हो गई थी। यहाँ के लोगों ने अपनी लुप्त हुई भाषा को न केवल दोबारा जिंदा किया, बल्कि एक सशक्त भाषा के रूप में अपने देश को स्थापित भी किया। जबकि हमारे देश में ही कुछ लोग हिंदी बोलना शर्म की बात समझते हैं। हालांकि हमारे देश की पुरानी भाषा संस्कृत है, जो व्याकरण के ही दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे व्यवस्थित और बेहतरीन लैंग्वेज है। हमने इसे साइडलाइन करके रख दिया है। सांस्कृतिक प्रेम और राष्ट्रवाद पर बात करना एक बात है, लेकिन उसे जीवन में उतारना हो तो ये हमें इसराइल के लोगों से सीखना चाहिए। इसराइल की जनसंख्या भले ही सिर्फ 90,00,000 है, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, एजुकेशन, डेवलपमेंट, फूड और वेपन इंडिपेंडेंसी के साथ हर फील्ड में पूरी दुनिया में इन्होंने बहुत ही सम्मानजनक स्थान बनाया है। इसराइल में मेल फीमेल दोनों को आर्मी की ट्रेनिंग लेना कंपल्सरी है, पुरुषों के लिए कम से कम 3 साल और महिलाओं को 2 साल। हमारे देश में नारियों को देवी माना जाता है, उन्हें वीरांगनाएं सिर्फ कहा जाता है, मगर इसराइल ने अपने देश की महिलाओं को सच्चे अर्थों में वीरांगना बनाया है। जेंडर सिमिलैरिटी की बात पूरी दुनिया में होती है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली किस तरह एक्सपेक्ट किया जाता है ये इसराइल में देखा जा सकता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को इसराइल से हमेशा दूर रखा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिथक को तोड़ते हुए इसराइल की यात्रा की और इस देश से संबंध बनाए। वर्ल्ड लेवल पर अगर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करें तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इसराइल का नंबर आता है। इसराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास उसका अपना कंप्लीट सैटेलाइट सिस्टम है। इसराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता, यह उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। इसी की बदौलत इसराइल अपने ड्रोन ऑपरेट करता है। इसके साथ ही अपने देश के आसमान को इसराइल ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस करके रखा है। अगर आज के दौर की बात करें तो आपने इसराइल और फिलिस्तीन की जंग के बारे में तो सुना ही होगा। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके में सक्रिय कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास ने इसराइल के ऊपर 1500 से अधिक रॉकेट फायर किए। इसके जवाब में इसराइल ने रिटेलिएट किया। फिर तो पूरी दुनिया के वे लोग इंसानियत की दुहाई देने लगे जो या तो हमास के समर्थक है या फिर खुलकर विरोध करने में संकोच करते हैं। आइए आपको करंट टाइम पीरियड में चल रहे इस डिस्प्यूट की डिटेल में ले चलते हैं। साल 1948 में एक समझौते के तहत जब इसराइल का गठन हुआ तो जमीन के एक हिस्से पर इसराइल का कब्जा हुआ और दूसरे हिस्से पर फिलिस्तीन का, लेकिन यरूशलेम का 8% हिस्सा UNO ने अपने कब्जे में रखा। इसी 8% हिस्से में
सरहजरा नाम की एक जगह है जहां 100 से 150 साल पहले मोटी कीमत देकर इजरायलियों ने अरबों से खरीद लिया, लेकिन फिर भी उस हिस्से पर फिलिस्तीन के लोग रहते थे। उनके लगभग 500 घर उस इलाके में थे। आज के दौर में इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमीन के उस टुकड़े को कब्जे में लेने का आदेश दिया। विवाद की शुरुआत यहां से हुई जब फिलिस्तीन के लोगों को यहां से हटा दिया गया। इसके बाद इसराइल में आंतरिक संघर्ष की शुरुआत हुई। फिलिस्तीन के लोग शुक्रवार की नमाज के बाद अल अक्सा मस्जिद में इकट्ठा हुए। इसराइल ने सुरक्षा की व्यवस्था की, लेकिन सुरक्षा बलों और उन लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। वो लोग पत्थर बरसाने लगे, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने अपने तरीके से दिया। इस संघर्ष में आतंकवादी संगठन हमास कूद पड़ा और उसने इसराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। बात करते हैं अब इसराइल की पिछली लड़ाइयों की। जिस तरह भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था, उसी तरह इसराइल के आजाद होने के बाद इसराइल को तबाह करने के लिए उसके आसपास के मुस्लिम देशों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष तो लगातार लंबे समय तक चलता रहा है, लेकिन समय समय पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हुई। साल 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में हुई बड़ी लड़ाइयों में सभी मुस्लिम देशों को मुंह की खानी पड़ी। इसराइल के इतिहास में 1967 की लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी। इस अकेले देश ने केवल 6 दिनों में ही 8 मुस्लिम देशों को उनकी औकात याद दिला दी। ये लड़ाई 10 जून 1967 को खत्म हुई। ये मुस्लिम देश थे मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और फिर सऊदी अरब। इस लड़ाई के बाद पूरी दुनिया ने इसराइल को एक ताकतवर देश के रूप में स्वीकार किया। फिलिस्तीन हर बार इसराइल पर नई साजिशों के साथ हमला करता और बदले में अपना भूभाग हारता जाता। आज फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर इसराइल का कब्जा है। इसराइल की आक्रामकता और बहादुरी पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसके एजेंट दुनिया के सबसे खतरनाक अभियान को बड़ी आसानी से अंजाम दे देते हैं। यह घटना है साल 1972 की, जब जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और वहां पर इसराइल के खिलाड़ी भी गए, लेकिन फिलिस्तीन के उग्रवादियों ने मिलकर इसराइल के 12 खिलाड़ियों की हत्या कर दी। इसराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री ओल्डा मेयर थी, जिन्होंने इस घटना की निंदा ही नहीं की बल्कि प्लेयर्स की फैमिली को भी कार्यवाही का भरोसा दिया। इसके बाद वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुनिया के हर कोने में जाकर सभी फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं पर देश के राजनेता ज्यादातर कड़ी से कड़ी निंदा कर लेते हैं, या फिर अगर सरकार कार्यवाही करती है तो सबूत गैंग कार्यवाही का सबूत मांगता है। इसराइल अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता, ये बात दुनिया अच्छी तरह से जानती है। इसराइल की बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि टैलेंटेड यहूदी इसराइल को हर फील्ड में आगे रखते हैं। दुनिया का पहला मोबाइल मोटोरोला कंपनी ने इसराइल में बनाया। इसराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां बीती सदी के मुकाबले इस सदी में फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। इसराइल अपनी पॉपुलेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग 95% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खुद करता है। बीते 25 सालों में इसराइल की एग्रीकल्चर ग्रोथ 8 गुना हुई है, लेकिन वाटर कंजप्शन उतना ही है। इसराइल में 95% सोलर एनर्जी का यूज होता है। मीडिया फ्रीडम के मामले में इसराइल अरब कंट्रीज को बहुत पीछे छोड़ देता है। इस छोटे से देश में 3500 टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से ये दुनिया का तीसरा देश है। इसराइल के पास कुल 273 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, लेकिन इस पर इन्होंने 137 सी बीच बना रखे हैं। इसराइल अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। इसराइल के नोटों पर ब्रेल लिपि कभी यूज की जाती है ताकि दिव्यांग लोग भी आसानी से पढ़ सके। इसराइल में कुल 40 बुक स्टॉल है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन को सरकार ही किताबें उपलब्ध कराती है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसराइल में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय मौजूद हैं। इसराइल के बारे में एक विचित्र तथ्य ये है कि आप रविवार के दिन नाक साफ नहीं कर सकते। अगर यहाँ आपने सुअर पालने की कोशिश की तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। 1979 में इसराइल में दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग इसराइल में होती है। जाते जाते एक सवाल आप सभी के लिए, इसराइल ने फिलिस्तीन की जमीन हथियाई है या अपनी जमीन वापस ली है? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।